हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस सब बहुत स्वस्थ है, बहुत मस्त है। सो आज का जो वीडियो है वो है एक इम्पोर्टेंट वीडियो, स्पेशली इन दिस टाइम हेयर फॉल। यस, हेयर फॉल विंटर्स में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है हेयर फॉल की, और ऊपर से आपको मतलब इतना हेयर फॉल होता है कि आप यही नहीं समझ पाते कि हो किस वजह से रहा है। लेकिन हेयर फॉल होने की ना बहुत सारी वजह होती है, एक वजह नहीं होती है। जैसे कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनको शैम्पू सूट नहीं कर रहा है, कुछ को लगता है कि उनको ऑयल सूट नहीं कर रहा है। बट ये रीजन हो सकते हैं, मे बी ये रीजन हो सकते हैं, बट साइंटिफिक रीजन कुछ और होते हैं हेयर फॉल होने के। जैसे कि स्ट्रेस होना, स्ट्रेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है हेयर फॉल होने के। कुछ लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं जिनकी वजह से उनके हेयर फॉल हो जाते हैं, और आज के टाइम पे चिंता करना तो मतलब नॉर्मल थिंग है। सेकेंडरी थिंग होती है हेरिडेटरी की, आपकी फैमिली में किसी को ऑलरेडी हो रहा है ये, यू नो आपकी क्या बोलते हैं उसको, जेनेटिक प्रॉब्लम है ये, तो इसकी वजह से भी आपको हो सकता है। तीसरी जो है वो है पुअर डाइट, कि आप सही से खाना नहीं खा रहे हो, आपकी जो हेयर की रिक्वायरमेंट है, आपकी स्कैल्प की जो रिक्वायरमेंट है, आप वो पूरी नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से भी हेयरफॉल होता है। और थर्ड फोर्थ है कि आपकी पुअर स्कैल्प, आप अपने स्कैल्प का अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहे हो। किसी की बहुत ज्यादा ऑयली होती है इन दिस विंटर सीजन, किसी की बहुत ज्यादा डैंड्रफ होते हैं, उनकी वजह से भी हेयरफॉल हो जाता है, हेयरफॉल होता है। तो कोई एक रीजन नहीं है हेयरफॉल होने का, बहुत सारे रीजन्स है हेयरफॉल होने के। आई थिंक बहुत सारे रीजन्स है हेयरफॉल होने के, आई मीन काउंट ही करते रह जाओगे इतने रीजन्स है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन जो है, जो नॉर्मली लोगों के हेयरफॉल होते हैं, स्पेशली स्ट्रेस, स्ट्रेस जो होता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हेयरफॉल होता है, लोग चिंता लेते हैं, चिंता करते हैं, तो इसकी वजह से हेयरफॉल हो जाता है। हेयरफॉल तो होता है, हेयरफॉल तो इट्स नॉर्मल थिंग, एक दिन के 100 बाल गिरने एक नॉर्मल थिंग में आता है। एज अ साइंटिस्ट लैंग्वेज उन्होंने कहा है कि एक दिन के अगर आपके 100 बाल गिर रहे हैं तो वो एक बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि 100 बाल ही आपके बिल्कुल उग भी रहे हैं उसी जगह पे, तो वो नॉर्मल है। लेकिन उससे ज्यादा हेयरफॉल होना रियली यू नो टेंशन वाली बात। हेयरफॉल तो होगा ही होगा, लेकिन उससे ज्यादा क्या है ना कि आपको अपने बालों का भी ध्यान रखना है, ऑयलिंग करनी बहुत जरूरी है, स्पेशली विंटर्स। हम समर्स में तो अवॉइड करते हैं ऑयलिंग करना, लेकिन समर्स विंटर्स में ऑयलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई डोंट हैव वेरी वेरी गुड हेयर, बट या आई हैव हेल्दी हेयर, मुझे मतलब हेल्दी हेयर है मुझे, ऑल्दो आई डोंट हैव लॉन्ग हेयर, बट जैसे भी हैं बहुत हेल्दी हेयर है, और स्कैल्प भी हेल्दी है, बिकॉज रियली टेक केयर ऑफ माई स्किन एज वेल एज माई स्कैल्प एंड माई हेयर। और आपको भी रखनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आपको स्किन अच्छी चाहिए उसी तरीके से आपको बाल भी अच्छे चाहिए, इसीलिए ऑयलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑयलिंग करना स्पेशली यू नो विटामिन ई ऑयल, ऐसा नहीं है कि आपने ये ऑयल मार्केट का उठा लिया, ये ऑयल मार्केट का उठा लिया तो आपको लगेगा कि ये ऑयल बहुत सही है तो आपको डायरेक्ट वालों में यूज करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि आपको मार्केट से लिए हुए ऑयल्स नहीं यूज करने चाहिए, स्पेशली आपको कुछ ना फॉर्मूला या फिर फॉर्मुलेशन करना चाहिए ऑयल का, तभी जाके आपके जो ऑयल है सॉरी हेयर है वो सही से सूट करेंगे आपके बालों पे। और आपको पता होना चाहिए आपके बालों के लिए क्या जरूरी है, कहाँ पे क्या जरूरी है। सो गाइस, हेयर ऑयलिंग से होता क्या है, हेयर ऑयलिंग जो होती है उससे आपके जो स्कैल्प है बिल्कुल नरिश हो जाते हैं। जिस तरीके से पौधे को पानी की जरूरत होती है ना, वैसे स्कैल्प को भी ऑयलिंग की जरूरत होती है, तो आपको इस ऑयलिंग बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए, स्पेशली विंटर्स आपको ऑयलिंग करनी चाहिए। चाहे लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, सबको ऑयलिंग करनी चाहिए, और विंटर में ना थोड़ा सा गर्म करके करना चाहिए ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे और अच्छे से स्कैल्प में यू नो नरिश हो जाए। और जब भी आप ऑयलिंग करो तो अपना जो भी आपका ऑयल है उसमें विटामिन ई, अगर आपके पास ऑयल है तो वो डाल लीजिए, या फिर विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं वो डालिए, उसके साथ ऑयलिंग कीजिए, बहुत सही लगेगा आपके बालों को, बहुत यू नो आपको फर्क दिखेगा बालों के साथ। और दूसरी बात है कि शैम्पू भी ऐसा यूज कीजिए जो मतलब बहुत ही ज्यादा केमिकल बेस्ड ना हो, नेचुरल हो, यू नो बहुत ज्यादा लाउड फ्रेग्रेंस ना हो, नेचुरल हो, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, और बस इसी वजह से आपके बाल बच सकते हैं। और आपको ऐसा नहीं है कि आपको ऑयलिंग करनी है, आपको डेली ऑयलिंग करनी है, नहीं, आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार तो ऑयलिंग करनी है, और प्रॉपर ऑयलिंग करनी है अच्छे से, यू नो बीच बीच से स्कैल्प को अच्छे से लेके आपको प्रॉपर ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग करने से आपके बालों में जो भी रूखापन है वो पूरा खत्म हो जाएगा, स्कैल्प अच्छे से नरिश हो जाएगी, और जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, डैंड्रफ क्यों होता है, क्योंकि हमारी स्कैल्प जो है बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, ड्राई की वजह से ज्यादातर लोगों को डैंड्रफ होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अच्छे से अपने स्कैल्प को नरिश करना है, ऑयलिंग करनी है प्रॉपर तरीके से। और मेरा ये मानना है कि ऑयलिंग कुछ लोग 2 घंटे रखते हैं
ऑयल लगा के कुछ लोग एक घंटा रखते हैं, बट मेरा ये मानना है कि 24 आवर्स आपको रखना ही चाहिए ऑयल लगा के बालों में, ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए कम से कम। स्पेशली आपको नाइट में यूज करना चाहिए ऑयलिंग, नाइट में करना चाहिए ताकि अच्छे से रिलैक्स हो जाए आपका, पूरे दिन की थकान खत्म हो जाए और पूरा जो स्कैल्प है उसको भी अच्छे से नरिशमेंट मिल जाए ऑयलिंग का, और आपके बाल भी अच्छे से जब आप सुबह वॉश करो तो बहुत अच्छे से सेट हो। तो बस इसी बात पे मुझे यही कहना था कि ऑयलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पेशली इन विंटर्स आपको अपने बालों का बहुत ध्यान रखना है। और आप खुद इस चीज को ट्राई करके देख लेना, कि जब आप बिना ऑयल लगाए हुए बालों के साथ जब हेयर वॉश करते हो ना, तो आपका बाल एकदम रूखे रूखे होते हैं शैम्पू करने के बाद, कंडीशनर का भी कुछ खास असर होता नहीं है वैसे, लेकिन जब आप ऑयलिंग करके, अच्छे से प्रॉपर ऑयलिंग करके 24 आवर्स को रख के उसके बाद जब आप हेयर वॉश करते हो ना, तब आप देखना आपके बाल एकदम स्मूथ मिलेंगे, और कंडीशनर तो मतलब बहुत कम इस्तेमाल होगा, इतने अच्छे बाल मिलेंगे। क्योंकि वो बाल जो है, मतलब जब आप सर धोते हो तो आप किस लिए धोते हो, बाल किस लिए वॉश करते हो, कि जो उसमें ऑयलिंग है, जो कुछ भी उसमें स्कैल्प गंदी है वो पूरी साफ हो जाए। लेकिन जब आपने ऑयल यूज ही नहीं किया तो होगा क्या साफ, बाल और ज्यादा ड्राई और रफ हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि जब भी हेयर वॉश करो उससे पहले ऑयलिंग करो, जिसकी वजह से जब भी आप हेयर वॉश करोगे तो वो शैम्पू से वो जो स्कैल्प है वो भी क्लीन होगी, और जो आपके बाल है जो ऑयल है वो उतरेगा, ना कि आपके बाल जो भी अच्छे हैं किसी की कंडीशन हेयर है वो भी रफ हो जाएंगे विदाउट ऑयलिंग, अगर आप हेयर वॉश करोगे तो। ओके, आई नो मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, बट इट्स इम्पोर्टेंट, राइट। चाहे आप मास्क कम लगाएं, हेयर मास्क कम यूज करें, लेकिन ऑयलिंग प्रॉपर तरीके से करें और प्रॉपर वे में करें, और ऑयलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज डू ऑयलिंग फॉर योर गुड हेयर, इफ यू लाइक गुड हेयर देन प्लीज डू ऑयलिंग, और स्पेशली इन विंटर्स इट्स सो रिलैक्सिंग। सो ऑन दिस नोट, इफ यू लाइक माई वीडियो, इफ यू लाइक माई सजेशन फॉर हेयर ऑयलिंग, सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये मेरा सजेशन, मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरी यही सोच है कि बालों को हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर हेयर वॉश। तो अगर आपको मेरा सजेशन पसंद आया देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर, और प्लीज अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, अपने प्यारे प्यारे मासूम बच्चों का ध्यान रखिए, उनको रजाइयों में रखिए, अंदर रहिए, ताकि कहीं बीमार ना हो जाए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।